सिवनी जिले के आधे गांव धान खरीदी केंद्र पर अनियमितता बनी हुई है। इस कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खरीदी केंद्रों पर किसानों की अपेक्षा व्यापारियों को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्र प्रभारी की मिलीभगत व छुट भैया नेताओं की दबंगई के चलते सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया है। आधे गांव धान खरीदी केंद्र पर तोलाई बंद होने से संबंधित पर्चे दीवार पर चिपकाए गए थे। इससे किसान धान बेचने केंद्र पर नहीं पहुंचे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही रही। उक्त केंद्र में धान की सूचना मिली तो कुछ किसान मौके पर पहुंच गए। इस पर वहां मौजूद एक गल्ला व्यापारी ने विवाद शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की धान तुलाई हो रही थी वह सत्ताधारी दल के एक विधायक का खुद को करीबी बता रहा था। जब इस मामले की शिकायत किसानों ने सहकारिता अधिकारी एवं समिति प्रबंधक सुभाष बनवाले को की तो उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा रात में धान खरीदी की जा रही है और मेरी 34 साल की नौकरी हो गई है। मुझे मालूम है वह अनियमितता हो रही है, मेरी आप कलेक्टर को शिकायत कर दो। मैं आपको अनुमति दे रहा हूं और आप जो मैं बोल रहा हूं ये भी सुनवा देना। उक्त ऑडियो वायरल भी हो रहा है। इस संपूर्ण मामले की किसानों ने नोडल अधिकारी को शिकायत की है। शिकायत मिलने पर वे खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्हें मौके पर बड़ी अनियमितताएं मिली। उन्होंने मौके पर 1000 क्विंटल धान बिना तुली पाया, जिस पर उन्होंने अपना जाँच प्रतिवेदन SDM लखनादौन को सौंप दिया है। इससे ये आकलन लगाया जा सकता है कि अधिकारी किस तरह आज बेलगाम हो गए हैं। ना ही उन्हें कलेक्टर का डर है और ना ही अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का। प्रांगण में जब धान लेकर के लाया जाता है, उसकी गुणवत्ता, धान की गुणवत्ता देखने के पश्चात उसको वारदाना प्रदाय की जाती है। मतलब खरीदी करते समय वारदाना? हाँ, खरीदी करते समय। कल रात को जो तुलाई हो रही थी उसमें छापा लगे वारदाना थे, तो कैसे उनके पास, किसानों के पास पहुँचे? किसानों के पास में तौलाई हुई, खरीदी प्रभारी के द्वारा बताया कि तौलाई नहीं हो रही थी कल, तो वारदाना पहुँचाने का प्रश्न ही नहीं। हमारे पास वीडियो है, छापा लगे वारदाना तौलाई की, तो आपकी मिली भगत से हो रहा था कि खरीदी प्रभारी की मिली भगत से हो रहा? खरीदी प्रभारी का ही उसमें दायित्व बनता है उसका। खरीदी प्रभारी पूरा नाम क्या लगता है? सुभाष बनवाले, सहकारिता विस्तार अधिकारी लखनऊ। संज्ञान में जैसे ही हमारे पास SDM साहब के पास इस संबंध में जानकारी लगी कि कल रात को किसानों से तुलाई का कार्य किया जा रहा है जबकि खरीदी कार्य बंद है, तत्काल यहां के नोडल अधिकारी श्री पटेल जी को, जो कृषि विस्तार अधिकारी है, उनको यहां पहुंचाया गया। उन्होंने मौका पंचनामा बनाया और पंचनामा में उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये प्रस्तुत किया है कि वहाँ पे कुछ किसानों ने अपनी उपज लेके आया था ताकि सोमवार को जल्दी से उनका नंबर लगाए और उनकी साफ़ सफाई का कार्य चल रहा था, ऐसा उन्होंने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है। आपके द्वारा क्या पाया गया आज? फिर ये प्रतिवेदन जब उन्होंने SDM साहब के समक्ष प्रस्तुत किया तो आज SDM साहब ने एक जांच दल गठित किया, जिसमें नायब तहसीलदार आदेगांव, सहायक आपूर्ति अधिकारी मैं स्वयं देवेंद्र कुमार खुबरिया हूं, और हमारे राजस्व के अमले हैं, सहकारिता विस्तार अधिकारी बनवाले जी हैं, सारे अधिकारी आए हुए हैं। जब हम लोगों ने जाँच की तो जाँच में ऑनलाइन इनकी प्रविष्टि देखी तो 3242 क्विंटल की लगभग खरीदी हुई है और 1833 क्विंटल का परिवहन हुआ है। उस हिसाब से 1408 क्विंटल इनके पास होना चाहिए, पर मौके पे ये तथ्य निकल के आ रहे हैं कि इनके पास लगभग 2500 क्विंटल धान यहाँ पे रखी हुई है। जो एक्सेस करीब 1100 क्विंटल एक्सेस धान है, उसके संबंध में इनसे पूछताछ की गई तो इनका ये कहना है कि शुक्रवार को काफ़ी कुछ किसानों को जिनसे क्रय किया गया था उनकी ऑनलाइन एंट्री नहीं हुई थी, उनका जो स्टॉक रखा हुआ है, वैसे लगभग 30 से 35 किसान हैं जिनकी एंट्री नहीं हुई, वो स्टॉक एक्सेस है, तो उसकी हम बारीकी से पुष्टि कर रहे हैं। हमारे RI पटवारी साहिवान भी हैं, उनके हम खेतों की भी जाँच कराएंगे कि वास्तव में उन किसानों के यहाँ वो उपज हुई कि नहीं, उन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी व्यापारी के रूप में यहाँ पर बेचने का प्रयास किया है। बारदाना की बात आ रही थी उसमें कि बारदाना जो कल खरीदी तुलाई हो रही थी उसमें बारदाना थी जिसमें छापा लगा था, ऐसे जांच में तथ्य तो हम लोग जब सुबह पहुंचे तो ऐसे कोई बारदाने हमें संज्ञान में तो नहीं आए, पर ये बात जरूर है, जांच खरीदी प्रभारी से हमने जब इस संबंध में पूछताछ की तो उनका कहना था कि शुक्रवार को जिनका FAQ गुणवत्ता का था, जिनकी छनाई हो चुकी थी, हड़म्बा से साफ सफाई हो चुकी थी, उनको हमने बारदाने प्रदाय किए थे तुलाई के लिए, मगर देर रात तक तुलाई होने के बाद भी कुछ किसानों की तुलाई नहीं हो पाई थी, उनके पास वो कुछ बारदाने थे तो संभवतः उस बारदाने में वो माल भरा हुआ था, चूँकि खरीदी कार बंद होने के कारण उसमें सिलाई और तुलाई का कार नहीं हो पाया था, वो बारदाने वहाँ पे रखे हुए थे, ऐसा खरीदी प्रभारी का कहना। पर हम जब तक जांच स्थल में सुबह पहुँचे तो उस समय उसमें सिलाई कार हो चुका था। अब ऐसी परिस्थिति में क्या कार्रवाई की जाएगी?
ऐसी परिस्थिति में जो तथ्य सामने निकल के आ रहा है, प्रथम दृष्टया तो ये परिलक्षित हो रहा है कि जो खरीदी प्रभारी है वाकई में जो उपार्जन नीति उनके विपरीत इन्होंने कार्य किया है। शासन ने यदि शनिवार और रविवार को खरीदी पूर्णतः बंद रखने के लिए प्रतिबंधित किया है तो उन्हें इस चीज़ पे लगाम लगानी चाहिए थी। उनके द्वारा जो है कहीं ना कहीं अनियमितता बरती गई, उन पर बिल्कुल कठोर दंडात्मक कार्रवाई की गई और जांच करके संभवतः कल हम